आपका एक इंटरव्यू है यूरोप में, ये वायरल हो चुका है, ना सिर्फ यूरोप में इवन इंडिया, दुनिया भर में इस इंटरव्यू को डिस्कस किया जा रहा है, क्योंकि जयशंकर साहब ने पाकिस्तान, इंडियन इकोनॉमी, रशिया, यूक्रेन वॉर, वेरियस एस्पेक्ट में एक बहुत ही डीप इंसाइट दी है। और पाकिस्तान को लेकर इन पर्टिकुलरली इन्होंने ये कह दिया कि मैं पाकिस्तान के लिए और भी ज्यादा बदतर शब्दों का इस्तेमाल कर सकता हूँ, मगर मैं अभी कर नहीं रहा। अच्छा, पहले बेसिक जान लो कि जयशंकर साहब अचानक से यूरोप कैसे पहुंच गए। देखो, आज के समय भारत के विदेश मंत्री दो कंट्री के टूर पे हैं। पहला तो देश था साइप्रस, इसका टूर कंप्लीट हो चुका है। मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाई थी कि कैसे साइप्रस में इंडिया ने साइन किया है एक डिफेंस एग्रीमेंट, जिससे टर्की काफी नाराज है। तो साइप्रस का टूर कंप्लीट करने के बाद जयशंकर साहब अब गए ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूरोपियाई देश है, कैपिटल है इसकी वियना, बहुत सारी यूएन की बिल्डिंग यहाँ पे आपको मिलेगी। मगर इंटरेस्टिंग बात देखिए, कई लोग मानते हैं कि हिटलर का जन्म हुआ था जर्मनी में, मगर इन रियलिटी हिटलर का जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया से वो गया था जर्मनी में, और ऑस्ट्रिया में आप देखोगे ऑस्ट्रियन नाम की कोई भाषा नहीं बोली जाती, ऑस्ट्रिया में भी बोलते हैं ये लोग जर्मन। और ऑस्ट्रिया के कई शोज हैं जो पूरे जर्मनी में भी देखे जाते हैं। तो इसी वजह से ये जो इंटरव्यू है ना, ये इतना वायरल हो गया, क्योंकि ये सिर्फ ऑस्ट्रिया जैसे छोटे देश में नहीं, जर्मनी में भी देखा गया। और जिस तरीके से भारत में आपको मिलेगा दूरदर्शन, इंडिया का सरकारी टेलीविजन नेटवर्क, उसी तरीके से ऑस्ट्रिया में इन लोगों के पास है ORF टेलीविजन, और यहाँ पे इनका एक बहुत ही फेमस शो रहता है जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड, जिब टू पॉडकास्ट। ये जर्मन में ब्रॉडकास्ट करते हैं, ये पूरे यूरोप में बहुत लोग सुनते हैं। और यहाँ पे एज ए स्पेशल गेस्ट इनवाइट किया गया जयशंकर साहब को। और इस पूरे इंटरव्यू के दौरान जो होस्ट था यहाँ पर, जो सवाल पूछ रहा था, उसके सवाल, कुछ सवाल बहुत ज्यादा प्रो पाकिस्तान, प्रो यूएस थे। और काफी बार इस होस्ट ने इंडिया को टारगेट करने की कोशिश करी, मगर हर बार जयशंकर साहब ने बहुत ही प्रॉपर रिप्लाई दिया। अब फॉर एग्जांपल, इस इंटरव्यूअर ने पहली बार तो ये पूछी कि आप एक डिप्लोमेट थे एक टाइम पर, तो आप पाकिस्तान को एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म क्यों कहते हैं? ये एक डिप्लोमेट वाली लैंग्वेज थोड़ी ना हो गई। बिफोर यू सेड यू आर अ डिप्लोमेट, बट सेवरल वीक्स अगो यू कॉल्ड पाकिस्तान योर नेबर द एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म। वेल, आई डिड इट अगेन टुडे विदाउट यूजिंग द वर्ड पाकिस्तान। यस, एंड दिस डजंट साउंड वेरी डिप्लोमेटिक, डज इट? नो, बिकॉज यू आर अ डिप्लोमेट डजंट मीन यू आर अनट्रूथफुल। आई कुड यूज मच हार्शर वर्ड्स देन एपी सेंटर। वैसे मैंने पहली बार देखा है कि एक इंटरव्यूअर ये कह रहा हो कि पाकिस्तान के लिए थोड़े से आप सॉफ्ट वर्ड्स का यूज कर सकते हैं, जबकि जो चीजें पाकिस्तान ने करी, आई मीन ये क्वेश्चन अपने आप में ऐसा है जैसे कोई आदमी पिछले 30 साल से नींद में था, उसको पता नहीं कि 9/11 हुआ था, ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में छुपा हुआ था, पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट पे रहा है, यूएसए ने खुद, आई मीन ये हमारे सामने है, पिछले ही साल यूएसए ने कहा था कि इनके ऑनेस्ट कंसर्न्स हैं अबाउट पाकिस्तान बीइंग ए सेफ हेवन। हेवन ही है, मतलब हेवन का मतलब होता है जन्नत, HAVEN, हेवन होता है, बहुत ही सेफ एरिया जहां पे आतंकवादी सुरक्षित रहते हैं। तो ये बात आउट इन दी ओपन है, मगर फिर भी इंटरव्यूअर ये कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान को एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म क्यों कहते हैं, आप तो डिप्लोमेट है। तो बहुत ही सही जवाब दिया जयशंकर साहब ने, आज आपके देश में खड़े होकर एक मेरा स्पीच था वहां पे, मैंने फिर से बोला है कि पाकिस्तान बिल्कुल आतंकवाद का मुख्य केंद्र है पूरी दुनिया में। अगर दुनिया में आपको आतंकवाद की प्रॉब्लम सॉल्व करवानी है, पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम सॉल्व करो, पाकिस्तान के अगेंस्ट एक्शन लो, अपने आप आपको दुनिया भर में आतंकवाद कम होता हुआ दिखेगा। और ये भी उन्होंने बोला कि मैं तो अभी एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म, ये तो अपने आप में सॉफ्ट वर्ड्स यूज कर रहा हूँ, जो पाकिस्तान ने किया है, इंडिया के पार्लियामेंट पे अटैक किया, 26/11 करवाया, ये अपने आप में ऐसी चीजें हैं कि इंडिया को इससे भी ज्यादा हार्शर कड़े शब्द यूज करने चाहिए पाकिस्तान के बारे में। So believe me, considering what has been happening to us, I think epicenter is a very diplomatic word because this is a country which has attacked the Parliament of India some years ago, which attacked the city of Mumbai, which went after hotels and foreign tourists, which every day sends terrorists across the border. But of course not as a country. Well, if you control your sovereign space, which I believe they do, if the terrorist camps operate in broad daylight in cities with recruitment and financing, can you really tell me that the Pakistani state doesn't know what's going on? Especially if they're being trained in military level combat tactics. Yeah. So, you know, when we speak about judgments and principles, why don't I hear sharp European condemnation
of these practices which have been going on for multiple decades. Yes. अब इंटरव्यू का जो ये पार्ट है ना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. यहाँ पर क्या है कि इंटरव्यूअर ने फिर से एक बार पाकिस्तान को डिफेंड करने की कोशिश करी. ये कहा कि देखो माना कि आतंकवादी आते हैं मगर पाकिस्तान एज ए कंट्री एज ए स्टेट खुद थोड़ी ना भेजता है. पाकिस्तान के पीएम खुद थोड़ी ना कहते हैं कि जाओ गवर्नमेंट तो नहीं भेजती ये बोल रहा है. तो इसके रिप्लाई में जयशंकर साहब ने यह कहा है कि पाकिस्तान का खुद पे कंट्रोल तो है ना, इनकी जमीन है, इनकी यहाँ पर सरकार है. हम एटलीस्ट मान के चलेंगे कि इनको अपने देश पे कुछ कंट्रोल है. तो इनके देश में इतने सारे आतंकवादी संगठन खुला घूमते हैं, फाइनेंसिंग करते हैं दुनिया भर में आतंकवाद की, इनकी रैली होती है, रिक्रूटमेंट कर रहे होते हैं, काफी बार रैलीज कर रहे होते हैं, इनकी सरकार कुछ करती नहीं है उसके बारे में. फिर जो भी आतंकवादी पाकिस्तान से आ रहे हैं उनको पहले से ही मिलिट्री ग्रेड ट्रेनिंग मिली होती है. वो कई आम लोग इंडिया में ये सब करूंगा उसको एक प्रोग्राम से गुजारा जाता है, उसके पास वेपन्स होते हैं, गन्स होती हैं. बट सैड बात यह है कि यूरोप का ना अभी भी माइंडसेट ऐसा ही है कि मेरी प्रॉब्लम दुनिया की प्रॉब्लम है, दुनिया की प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम नहीं है. ये बहुत ही सैड बात, मुझे बड़ा अजीब लगता है जब इंग्लैंड का या ऑस्ट्रेलिया का कोई जर्नलिस्ट कहता है इंडिया पाकिस्तान आपस में क्रिकेट क्यों नहीं खेलते. ये स्टेटमेंट पता है क्यों देते हैं वो लोग? उनको पता नहीं है कि 26/11 हमले में हमें कितनी पीड़ा हुई थी, उससे पहले भी इतने सारे आतंकवादी हमले हुए थे पाकिस्तान से इंडिया में, उसका क्या इम्पैक्ट हम पे आया था. ऐसी स्टेटमेंट्स वही देश दे सकते हैं जो ज्योग्राफिकली पाकिस्तान से बहुत दूर हैं, उनको पाकिस्तान के आतंकवाद का सरदर्द सहना नहीं पड़ता. और सेम केस यहाँ पे आपको यूरोप का दिखेगा, वो भी कह रहे हैं कि अब लोग मिलकर रहिए क्या दिक्कत क्या है. अगर आप अपने आप पे जब इन पर आती है, जब रशिया दिखता है कि कुछ अग्रेशन कर रहा है तो अचानक से दुनिया सब मिलकर रशिया की आलोचना करो, जो रशिया की आलोचना नहीं करेगा वो खराब देश है. मगर पाकिस्तान के केस में यूरोप आज भी पाकिस्तान के बिजनेसमैन को सब्सिडी देता है, जीएसपी प्लस की सुविधा देता है, जिसके अंडर पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स और जरा बढ़ चढ़ के जाते हैं यूरोप में. और जयशंकर साहब ने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है कि जब पाकिस्तान इंडिया में आतंकवाद करता है, ये सब लगातार अटैक करता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करता है, तो यूरोप चुप क्यों रहता है? यूरोप बिल्कुल ही ऐसे एक्टिंग करता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है. और इसका देखिए कुछ ना कुछ जियोपॉलिटिकल रीजन भी है. इंडिया यूरोप के वैसे बहुत अच्छे रिलेशन है, हम बहुत ही जल्द एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन करेंगे. मगर एक लार्जर जियोपॉलिटिकल विजन की अगर हम बात करें, 100 साल 200 सालों की बात करें, तो यूरोप हमेशा इंडिया को देखेगा एक कंपटीशन की तरह, एक ऐसा देश जो पूरे रीजन को डोमिनेट कर सकता है. मगर इंडिया को रोककर किसने रखा है? पाकिस्तान ने. पाकिस्तान की वजह से इंडिया की सेंट्रल एशिया तक होती नहीं है. पाकिस्तान एज ए कंट्री अपने लोगों को भी और इवन इंडिया के लोगों को भी रोक के रखता है. और इसलिए आप देखोगे चाहे पाकिस्तान बिन लादेन छोड़िए दुनिया भर के सारे आतंकवादियों को भी अगर हेल्प करना स्टार्ट कर देगा, अपने देश में रखेगा, तब भी यूरोप कहेगा कि पाकिस्तान ने गलत किया क्या है. एटलीस्ट इनकी जो बेसिक टोन होगी वो यही होगी कि पाकिस्तान की ज्यादा आलोचना नहीं करनी चाहिए क्योंकि ज्योग्राफिकली पाकिस्तान इनसे बहुत दूर है और पाकिस्तान के आतंकवाद का डायरेक्ट इम्पैक्ट इन पे होगा नहीं. और फिर इंटरव्यूअर के देखिए जो अगले क्वेश्चन थे, ये पाकिस्तान से शिफ्ट होकर चले गए यूक्रेन में और ये होना ही था. मैं आपको ये बता दूं यूरोप में ना एक सॉफ्ट स्पॉट पाकिस्तान के लिए इसलिए भी बना है क्योंकि पाकिस्तान ने रशिया से कोई ऑयल कोई नेचुरल गैस परचेज नहीं करी. अरे कोशिश तो की तो मिली नहीं कि पाकिस्तान से बहुत सारे वेपन्स गए हैं यूक्रेन में. तो ये बात वो तो पैसों की लालच में पसंद आई है. इंडिया का जो न्यूट्रल स्टांस है वो बहुत से यूरोपियंस अप्रिशिएट करते नहीं है. तो इसलिए इंटरव्यूअर ने यहाँ पर अगला सवाल ये पूछ लिया कि इंडिया आज भी रशिया से इतना सारा ऑयल परचेज क्यों कर रहा है. रशिया आज के समय नंबर वन ऑयल सप्लायर बन चुका है इंडिया का, अगर हम वेरियस मंथ्स का एग्रीगेट काउंट करें. और इंडिया रशिया का ट्रेड ऑलरेडी $30 बिलियन जा चुका है जो आज तक नहीं गया. इतने कम टाइम फ्रेम में $30 बिलियन का ट्रेड इंडिया रशिया ने आज तक नहीं किया. It's but still making sure that Europe is not freezing to death in the winter or just increasing your imports by 5 times? No, Europe has managed to reduce its imports while doing it in a manner in which it is comfortable for Europe. Now, if at 60,000 euros or whatever is your per capita income, you are so caring about your population, I have a population at $2,000. I also need energy. I'm not in a position to pay high prices. The price of oil has doubled. यूरोप में एवरेज पर कैपिटा इनकम, हम लोग मानते हैं, चलो हम आज के समय मानते हैं कि यूरोप ने हाल ही में
कुछ कदम उठाए हैं जिससे ये लोग ना खुद भी रशिया से जो ऑयल नेचुरल गैस है ये थोड़ा सा कम परचेज किया करेंगे। मगर यूरोप एक ऐसा कॉन्टिनेंट है, ऐसा ग्रुप है जहाँ पे एवरेज पर कैपिटा इनकम आपको 60,000 यूरो के आसपास की मिलेगी। इंडिया में जहाँ पर एवरेज पर कैपिटा इनकम नॉमिनल बेसिस पर 2500 के आसपास, यूरो कर दिया, डॉलर कर दिया, मैं क्या कर सकते हैं, क्या हम वैसे कड़े कदम उठा सकते हैं जैसे यूरोप ने उठाए हैं? ऑब्वियसली नहीं। हमें कहीं ना कहीं हमारी गरीब जनता के बारे में सोचना होगा, हमें इंश्योर करना होगा कि यूक्रेन वॉर का इम्पैक्ट हमारी आम जनता पे ना आए। नाउ इंटरव्यूअर इस लेवल पे आकर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड दिख रहा था और इंटरव्यूअर ने सीधा ये पूछ लिया कि आप एक बात बताइए, आपने आज तक रशिया की आलोचना भी नहीं करी। चलो हम मानते हैं कि तेल चाहिए आपको, नेचुरल गैस चाहिए, आपकी जनता गरीब है, ठीक है, मगर रशिया की आलोचना तो कर दो कि रशिया अग्रेशन कर रहा है यूक्रेन पर। ये जो वर्ड है अग्रेशन, ये भी इंडिया ने यूज नहीं किया। Let's talk about the war in Ukraine. As you are well aware, the whole world noticed that India, as a very influential country, has never publicly condemned Russia's assault and invasion into a neighboring country. Why is that so? Can you really be neutral in a war for which obviously one side bears all responsibility? Well, look, I think in international relations, you have sometimes very complicated situations. Where we are concerned, we have always taken the position that the way out is for the countries concerned to get back to dialogue and to diplomacy. I'll come to that soon, but is this a complicated situation? Is this really complicated? There's one big country invading its neighbor. I can give you many instances of countries who have violated the sovereignty of another country. Mm-hmm. You know, if I were to ask where Europe stood on a lot of those, I'm afraid I'll get a long silence. Yes. So do understand one thing. At the end of the day, we make judgments in foreign policy based on what we think are our long-term interests and what is good for the world. Now, इसके रिस्पॉन्स में जयशंकर साहब ने यहाँ पर सिंपली ये कहा है कि ओवर द इयर्स कई और देश है उनकी सॉवरेनिटी वॉलेट हो चुकी है। फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया का केस देखें, 1962 में अक्साइचिन, चाइना ने अक्साइचिन कब्जा लिया, यूरोप कुछ बोला, कुछ नहीं बोला, बहुत बड़ा एरिया था। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कब्जा कर बैठा हुआ है। यूएन खुद कहता है कि पाकिस्तान को अपनी जो आर्मी है यहाँ से पुल बैक करनी होगी, यूरोप उसके बारे में कुछ नहीं बोलता। बस यूक्रेन जो ज्योग्राफिकली इनके बहुत ज्यादा करीब है, यहाँ पर तकलीफ आ गई तब ये लोग बार बार बोल रहे हैं। अब इसके बाद देखो, इंटरव्यूअर ने ना एक बिल्कुल डायरेक्ट सवाल पूछ लिया कि असली बात तो ये है कि आप रशिया की आलोचना इसलिए नहीं करते ना क्योंकि वेपन्स को लेकर, हथियारों को लेकर तुम्हारी निर्भरता है रशिया पर। Are you reluctant to add Moscow as well because Russia is India's most important supplier of weapons and military equipment? And therefore? Are you reluctant to criticize Moscow? No, I think, look, we have a relationship with Moscow. We've had a long-term relationship with Moscow. I think it's important to look at that history of the relationship. It was a relationship built in a period when Western democracies used to arm a military dictatorship called Pakistan and deny India defensive weapons. So if we are talking about principles, let's talk a little bit of history out here. So how did the Indian exposure to Russia get, and previously to Soviet Union, get built up? Because the Western democracies, for whatever reason, decided that their natural partner in our part of the world was a military dictatorship. Yeah. Would you consider India an ally of Russia? No, I think India doesn't. We are an independent country. We do not define ourselves or perceive ourselves in alliance terms. That's very much a Western terminology. It's not a term that we use. Good. Now, यहाँ पर हमने देखा जब इंटरव्यूअर ने बिल्कुल खुल के बोल दिया कि देखिए मेन रीजन तो ये है कि आप रशिया की आलोचना इसलिए नहीं करते क्योंकि आपके लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशन रहे हैं रशिया के साथ, आप वेपन्स को लेकर डिपेंडेंट हो। और इसके जवाब में इंडिया का बहुत ही एक सटल आंसर गया यूरोप के मीडिया को कि इसका जिम्मेदार कौन है। पूरी कोल्ड वॉर के टाइम में यूरोप ने लगातार वेपन्स प्रोवाइड किए पाकिस्तान को, इंडिया को वेपन्स प्रोवाइड नहीं किए क्योंकि यूरोप, यूएसए ये मान चुका था कि इनका जो नेचुरल पार्टनर है साउथ एशिया रीजन में ये होने वाला है पाकिस्तान। और इसी वजह से इंडिया की जो डिपेंडेंस है, जो इंडिया का एक्सपोजर है, ये यूएसएसआर उस टाइम और बाद में रशिया पर काफी बढ़ता गया। तो इसकी जो जिम्मेदारी है, हिस्टोरिकल जिम्मेदारी, ये भी यूरोप को लेनी होगी। आप कुछ एक्शन लेते हो तो कहीं ना कहीं उसके कॉन्सिक्वेंसेज भी आते हैं, ये कॉन्सिक्वेंसेज आप कह लीजिए उसके हैं। और फिर इंटरव्यूअर ने यह पूछा कि क्या आप ये कहोगे कि रशिया आपका एलाई है। देखिए, जियोपॉलिटिक्स में सबसे बड़ी टर्मिनोलॉजी होती है मित्र मुल्क के लिए एलाई। एलाई के लिए आप जंग में भी कूदते हो, एलाई का आप साथ देते हो, एलाई को आप डिफेंस इक्विपमेंट प्रोवाइड करते हो। तो इंडिया ने कहा है कि देखो, एलाई हम किसी को नहीं कहते,
ना रशिया हमारा एलआई है, ये उन्होंने खुल के बोला है। टर्मिनोलॉजी है ही नहीं हमारी डिक्शनरी में। रशिया को भी आप अगर देखोगे तो उनके साथ प्रॉपर पार्टनरशिप है, डिफेंस पैक्ट नहीं हमारा किसी के साथ यूज नहीं करते हम, उसमें पार्टनरशिप वर्ड यूज करते हैं। और सेम केस यूएसए के साथ है, ये जो एलाइज वाला वर्ड है ना, ये एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है कि या आप इस तरफ या आप उस तरफ, अगर आप हमारे एलाई हो तो मतलब हम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे वॉर में, और दूसरा जो कंट्री है वो हो गया हमारा एनिमी। हमारा ऐसा कुछ स्टांस है नहीं, ये बात जयशंकर साहब ने क्लियर कर दी। फिर इंटरव्यूअर ने फाइनली ये भी पूछा कि चाइना कहता है कि आपने बॉर्डर पे बहुत सारे एग्रीमेंट तोड़े हैं, तो क्लियरली देखो ये जो इंटरव्यूअर था ये इंडिया को लेकर इतना सॉफ्ट स्पॉट रखता नहीं था। और यहां पर भी जयशंकर साहब ने बोला कि हमारा रिकॉर्ड बॉर्डर को लेकर बिल्कुल क्लियर है, जो भी वॉयलेशन करी है बॉर्डर एग्रीमेंट्स की वो चाइना ने करी है, और उस इशू को लेकर हम चाइना से डील कर लेंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये इंटरव्यू इतना वायरल क्यों हुआ है, क्योंकि यहां पर खुल के बात हुई है, नो वन हेल्ड बैक। अगर ऑस्ट्रिया के मीडिया ने खुल के बात करी है तो इंडिया की तरफ से भी खुल के जवाब आया है कि हिस्ट्री को देखिए, वेरियस और रीजंस है, आप अपने दृष्टिकोण से दुनिया को डिफाइन नहीं कर सकते, बाकी कंट्रीज भी है उनका भी एक्सपीरियंस रहा है। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे सवाल पूछूंगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग करोगे कॉमेंट सेक्शन में। ऑस्ट्रिया देश की करेंसी क्या है? ऑप्शन ए यूरो, ऑप्शन बी फ्रैंक, ऑप्शन सी डॉलर, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको बताना चाहिए। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को, और कंट्री वर्ल्ड में कहीं वॉर हो रही है, तो बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स दिए। और ये जो इंटरव्यू रिपोर्टर था उसका पर्पस यही था कि मैं किसी तरह से कोई ऐसी बात करके मतलब कुछ मसालेदार निकालूं, बट भाई जयशंकर जी ऑलरेडी न्यू इट, भाई एवरीबॉडी एवरी इंडियन वुड नो कि अगर हम गए वहां पे कोई भी रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिया को तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। एंड जो अब स्टैंड लिया जा रहा है, इंडिया ले रहा है, दिस इज फैंटास्टिक, जिस तरह से गवर्नमेंट ले रही है। और ये जो पाकिस्तान के अगेंस्ट, गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।